नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक नया कंप्यूटर माउस लेकर आई है, जो कि एक विशिष्ट माउस नहीं है, लेकिन विशेष रूप से लोगों को अधिक काम करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। सैमसंग बैलेंस माउस के रूप से जाना जाने वाला माउस, जब आप बहुत काम करना शुरू करते हैं तो डेस्क से भाग जाते हैं। सैमसंग बैलेंस माउस का वीडियो सैमसंग के कोरिया यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे। 8 साल होने जा रहे हैं, इस हिसाब से 16 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन शायद अब तक 16 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाया है। लीज़ ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। इससे पहले लीज़ ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री रह चुकी हैं और एक कार्यक्रम में भारत भी आ चुकी है। इस दौरान उसके एस जयशंकर से तीखी नोकझोंक हुई थी। दोनों नेता इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम में बोल रहे थे, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड पॉलिसी एक्सचेंज ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। गया में फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम और स्टील ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसके साथ ही पितृपक्ष मेला महासंगम का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, संजय झा, जीतनराम मांझी, जमा खां, अशोक चौधरी, विजय चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही 17 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेले की शुरुआत शुक्रवार से होगी। इस रबर डैम के बनने से अब फल्गु नदी में साल भर पानी रहेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की राजनीति में मनोरंजन के दो चेहरे हैं, एक राहुल गांधी जो है जो मनोरंजन के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरे अखिलेश यादव जी हैं जो चुनाव हारने के बाद ऐसी बातें करते हैं जो मनोरंजन का कारण हो सकती है। भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद कुछ महीनों में 2% से बढ़कर 13% हो गई, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि इससे आयात बिलों की कम करने में मदद मिलेगी। यह वृद्धि एक मुद्रास्फीति प्रबंधन का हिस्सा है। ई कॉमर्स कंपनियों को इस साल त्योहारी सत्र के दौरान बिक्री सालाना आधार पर 28% बढ़कर $11.8 अरब के स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है। रणनीतिक सलाहकार फर्म रेडिसीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि त्योहारी सीजन पूरे देश में शुरू होने वाला है। ऐसे में रेडिसीन ने त्योहारी महीने में दौरान ऑनलाइन बिक्री के $11.8 अरब तक पहुँचने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 28% अधिक है। कॉटन क्षेत्रों में विनाशकारी मॉनसून की बारिश के साथ पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ने बढ़ते निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए वाघा के माध्यम से भारत से कपास के आयात की अनुमति देने के लिए संघीय सरकार से संपर्क किया है। निर्यातकों का कहना है कि शुरुआती अनुमान बताते हैं कि कपास की खड़ी फसल का 25% हिस्सा खराब हो गया है और अब देश में कच्चे माल की कमी की आशंका है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 28 सितंबर को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव होना है। एमसीए के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल भी इच्छुक दिख रहे हैं। मौजूदा अध्यक्ष विजय पाटिल को चुनौती देने के लिए संदीप पाटिल ने जमकर तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव में अलग अलग क्रिकेट क्लब ने मतदाताओं को रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इस उत्साह को बनाए रखने की जरूरत है। हाल ही में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि ने हमें वर्तमान अमृत काल में और अधिक मेहनत करने और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा दिया है। यह उपलब्धि सामान्य नहीं है, हर भारतीय इस पर गर्व महसूस कर रहा है। हमें इसे उत्साह के रूप में मनाने की जरूरत है। मुंबई में हाल ही में दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। एक शख्स को घंटों शाह के आसपास घूमता देखा गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि 32 वर्षीय हेमंत पवार को सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर अमित शाह और अन्य राजनेताओं के आसपास घूमते देखा गया था। सोनम कपूर और आनंद आहूजा हाल ही में मम्मी पापा बने हैं। 20 अगस्त को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया था। सोनम कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक कैप्शन स्टोरी शेयर की है। इस स्टोरी में सोनम कपूर ने लिखा है, ओनली बर्ब्स टैटर क्यूटर बेबी बर्ब्स। इस कैप्शन को पढ़कर साफ जाहिर होता है कि माँ बनने के बाद सोनम कपूर की लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है। उन्हें बहुत सी ऐसी चीजें पसंद आने लगी है जो उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती थी। भारत ने गुरुवार को ओडिशा तट से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSM प्रणाली के 6 परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया गया था। यह मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक के रेंज में आने वाले दुश्मनों की मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टर और
ड्रोन्स को नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल की लंबाई 98 फीट है। ये मिसाइल 5,758 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती हो। भारत में अमेरिकी मिशनों ने 2022 में अब तक 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं, जो पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है। भारतीय छात्रों को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अमेरिकी छात्र वीजा प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली से अमेरिका दूतावास, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों ने मई से अगस्त तक छात्र वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक योग्य छात्र निर्धारित समय पर अपने अध्ययन के कार्यक्रमों में पहुँच सके। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की गुरुवार को 96वीं जयंती के अवसर पर इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने डूडल के जरिए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गायक एवं संगीतकार डॉक्टर हजारिका की जयंती पर गूगल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डूडल को शेयर किया है। साथ ही लिखा है, आप जानते हैं कि भूपेन हजारिका ने 12 साल की उम्र में फिल्मों के लिए गायन और संगीत रचना शुरू कर दिया था। गूगल ने साथ ही कहा, हैप्पी बर्थडे भूपेन हजारिका। भारत के अलग अलग राज्यों में उगाए गए कृषि उत्पाद आज पूरी दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं। हाल ही में मणिपुर के GI टैग अनानास ने भी लोकल मंडियों से निकलकर विदेशी बाजारों में अपनी धाक जमा ली है। दुबई के लुल्लू हाइपर मार्केट में मणिपुर के GI टैग अनानास की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां के लोग ने सिर्फ मणिपुर के किसान अनानासों को पसंद कर रहे हैं, बल्कि इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के PM शेख हसीना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। उन्होंने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश एक प्रमुख भागीदार रहा है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली पहुंची शेख हसीना का कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोस ने स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव ने गुरुवार को कहा कि हाल में जारी किए गए डिजिटल ऋण से जुड़े नियम मध्यस्थता खत्म करने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। राव ने कहा, डिजिटल कर ढांचे को एक अभिनव और समावेशी प्रणाली की जरूरत के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसमें सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें। नौकरियों में कटौती का संकेत देते हुए गूगल के CEO सुंदर पिचोई ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करके अपनी फर्म का 20% से अधिक कुशल देखना चाहते हैं कि कर्मचारी वास्तव में उत्पादक हैं। पिचोई ने आर्थिक अनिश्चितता और विज्ञापन खर्च में व्यापक मंदी के बीच कंपनी को अधिक कुशलता से चलाने की अपनी योजनाओं के बारे में बात की, जिसमें से गूगल अब तक का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। सर्दियों की शुरुआत होते ही विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। सर्दियों के दौरान 6 से 8 महीने तक पश्चिमी राजस्थान में प्रवास करने वाले कुर्जा सितंबर माह के पहले सप्ताह में ही पहुंचने लगे हैं। हालांकि राजस्थान में अभी गर्म का मौसम चल रहा है, लेकिन इस साल अच्छी बारिश से तालाबों नदियों में पानी की आवक होने से यहां आसपास की जमीन में नमी है, जिसके चलते यहां आए कुर्जा के पहले जत्थे ने अपना पड़ाव डाल दिया है। राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया गेट और उसके आसपास की पूरी जगह अब कुछ अलग ही अंदाज और कलेवर में नजर आएंगी। इंडिया गेट पर सेंट्रल विस्टा का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होगा। यहां हर राज्य के फूड स्टॉल तो लगाए जाएंगे, वहीं रेड ग्रेनाइट पर रेड कार्पेट सा एहसास भी मिलेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट असल में भारत की नई संसद और उसके आसपास के इलाकों को कहा गया है। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल जी एक इतिहास बनाने के लिए निकले हैं। पहले वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम गए थे। सत्य और अहिंसा का संदेश लेकर उन्होंने # भारत जोड़ो यात्रा को आरंभ किया। यात्रा में जो रिस्पॉन्स मिला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। राहुल जी की यात्रा प्यारे भाईचारे मोहब्बत को संदेश देगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी गई है। नोटिस के मुताबिक इस एग्जाम का आयोजन 21 सितंबर से दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किया जाना है। उम्मीदवारों को 11 बजे तक केंद्र पर एंट्री मिल सकेगी। इस परीक्षा के लिए BPSC द्वारा एडमिट कार्ड 14 सितंबर 2022 को जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर जिस तरह से हमले कर रही है उसे स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल परेशान है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी बताते हुए कहा कि यह पार्टी को मजबूत देगी और उसमें नई जान फूकेगी। अब इस यात्रा से नया अवतार होगा। कांग्रेस पहले से अधिक आक्रामक और सक्रिय होगी, जिसे हमारे मित्र और राजनीतिक विरोधी हल्के में नहीं ले सकेंगे। भारत जापान के बीच हो रहे 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और EMS जयशंकर गुरुवार को शामिल हुए। दोनों मंत्रियों के अनुसार उद्घाटन लड़ाकू अभ्यास के शीघ्र संचालन से दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच बहुत अधिक सहयोग और अंतर संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। जापान की तरह भारत भी चीन द्वारा पेश किए गए सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अपनी सेना को मजबूत कर रहा है।
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र कॉर्निया के प्रतिरोपण का इंतजार कर रहे मरीजों को बेहतर इलाज देने तथा सर्जरी करा चुके लोगों की देखभाल के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। देश भर में नेत्र संबंधी रोगों के मरीज इस ऐप के जरिए एम्स के डॉक्टर से परामर्श कर सकेंगे। इससे सर्जरी का इंतजार कर रहे मरीजों की लगातार निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय अगले साल फरवरी में पेश होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के लिए तैयारियां अगले महीने से शुरू कर देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। बता दें कि बजट बनाने की शुरुआत 10 अक्टूबर से की जाएगी। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अगले साल फरवरी में पेश करेगी। भारत में ऑटोमोबाइल की रिटेल बिक्री इस साल अगस्त में 8.31% बढ़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि तीन पहिया वाहन सेगमेंट में पिछले महीने बिक्री सबसे अधिक बढ़ी और यह 43.14% चढ़कर 56,313 इकाई रही। कमर्शियल वाहनों की बिक्री भी पिछले महीने 24.12% की मजबूत वृद्धि के साथ 66,158 इकाई रही। यह आंकड़ा अगस्त 2021 में 54,107 इकाई था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही कक्षा 10 के कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। अपडेट के अनुसार सीबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परिणाम आज ही जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी का उपयोग करके अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। सीबीएसई कक्षा 10 कंपार्टमेंट परिणाम 2022 उमंग और डिजी लॉकर ऐप पर भी उपलब्ध होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,395 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,44,78,636 हो गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत हुई है, जिसके चलते कोरोना से अब तक देश में कुल जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,28,090 हो गई है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामले 50,342 है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, प्रवीण कृष्णा, जुगेश कुमार, के सिन्हा, अर्जुन राम, मनीष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और यह साधारण उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री के इस वाक्य से आप कितने सहमत हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।